साथियों, एक जमाना था जब कहा जाता था कि बॉम्बे क्लब देश के उद्यमियों का, उनके बिजनेस इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करता था। अब आज अगर ऐसा कोई क्लब बने तो उसे भारत क्लब ही कहा जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स, पुराने दिग्गज और नए एंटरप्रेन्योर सभी का प्रतिनिधित्व होगा। मैं समझता हूं कि भारत के बदलते बिजनेस कल्चर, उसके विस्तार, उसके सामर्थ्य, उसका बहुत उत्तम उदाहरण होगा और इसलिए भारत के सामर्थ्य को, भारतीय उद्यमियों के सामर्थ्य को कोई कम करके आंक रहा है तो वो गलती कर रहा है। नववर्ष की शुरुआत में आज इस मंच से मैं भारतीय उद्योग जगत को फिर कहूंगा कि निराशा को अपने पास भी मत फटकने दीजिए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। अपने विस्तार के लिए आप देश के जिस भी कोने में आप जाएंगे, भारत सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी। हां, आपका मार्ग क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस बारे में मैं लक्ष्मण राव जी के जीवन से ही प्रेरणा लेते हुए इसे विस्तार देना चाहता हूं। साथियों, लक्ष्मण राव जी देश के उन प्रेरक व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने भारत की आवश्यकताओं के अनुसार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मशीनों के निर्माण का बेड़ा उठाया। देश की आवश्यकताओं और उससे जुड़े निर्माण की यही सोच भारत के विकास की गति और इंडियन इंडस्ट्री के विकास की गति को तेज करेगी। हमें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के मंत्र पर चलते हुए विश्व स्तर के प्रोडक्ट बनाने होंगे, तभी हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, विश्व बाजार में अपना विस्तार कर पाएंगे। हमें इंडियन सॉल्यूशंस, ग्लोबल एप्लीकेशंस के बारे में सोचना होगा, उसी के मुताबिक अपनी योजनाओं को अमल में लाना होगा।